जीतू जी भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जय गो माता भाई साहब। जय गोपाल। आज की वीडियो में कितनी गायें कवर करेंगे जी? आज 8 गौ माता है जी। 8 गायें? हाँ जी। कौन कौन सी नस्ल की है जी? साहिवाल है जी 4-5, तो एक थार पारकर है। हाँ। और एक गदरी राठी। एक गदरी राठी भी है। हाँ जी। चार लेके आए हैं जी। फर्स्ट ब्यांत की 5 बछड़ी है। पहले ब्यांत दो दो दांत की। हाँ जी। बछड़िया। हाँ जी। और मुंह से दो दांत की। दो दांत। हाँ। और बिल्कुल ठंडे स्वभाव में। ठंडे स्वभाव वाली सारी। हाँ जी। शानदार है जी। कंप्लीट डिटेल लेंगे जी आपसे। हाँ जी। एक एक गाय के बारे में जानकारी भी लेंगे, साथ ही साथ आपसे इन गायों की कीमत भी जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रीजनेबल कीमत रहेगी जी। रीजनेबल प्राइस रहेगी जी। बिल्कुल। क्या रेंज रहेगी जी आज? रेंज आज रहेगी जी 20,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री। ये मिनिमम नीचे से नीचे की रेंज है? हाँ। स्टार्टिंग रेंज है? स्टार्टिंग रेंज है। अच्छा, हाईएस्ट रेंज कितनी हो जाएगी सबसे? 65,000 रुपये। 65,000 रुपये। हाँ जी। तो 20,000 से लेके 65,000 रुपये तक की प्राइस रेंज की ये गाय है। हाँ जी। आज की वीडियो में जो कवर करेंगे। हाँ जी। तीन गाय ब्याई हुई है जी? हाँ जी, तीन ब्याई हुई है जी। हाँ। और दो के साथ बच्ची है और एक के साथ बछड़ा है। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी। हाँ जी। सबसे पहले आपका अपना यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। एड्रेस मेरा जिला श्री गंगानगर है जी, स्टेट राजस्थान है। ठीक है जी। और विलेज 16Z। विलेज 16Z है। हाँ जी। मोबाइल नंबर जी भाई साहब? मोबाइल नंबर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी वो तो है 82905 70305। ठीक है जी। और जो कॉलिंग नंबर है 92563 70305। ठीक है जी। हाँ, ये दोनों नंबर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। हाँ जी। व्यूअर्स, आप इनमें जानकारी लेने के लिए कॉल करें तो ये जो पहले नंबर पर कॉल के लिए नंबर दिखा रहा हूँ इस पे कॉल की जा सकती है। हाँ जी। और दूसरे वाले पे व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल कर सकते हैं। और एक और कहना चाहता हूँ जी, जिस भाई ने गाय लेनी हो ना वो ही व्हाट्सएप मैसेज किया करो, क्योंकि कुछ तो भाई साहब ऐसे होते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज करके फोन अगले का भर देते हैं। हाय का मैसेज लिखा होता है, उनका कोई बाद में कोई रिस्पांस नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। हाँ। तो जब आपने कुछ लेना देना नहीं है तो इसलिए मैसेज मत किया करो मेरे मतलब को। फुल इंटरेस्टेड हो गाय में, वो मेरे को कॉल करो, वही मेरे को मैसेज करो या कोई जानकारी लेनी हो गाय के बारे में। ऐसे आलतू फालतू मैसेज ना किया करो मेरे को, कुछ जरूरत नहीं है। तो ये हाय हेलो से हाँ मोबाइल को नहीं भरे, मोबाइल को ना भरे और ना ही मेरा टाइम खराब करे। हाँ। क्योंकि ये मैसेज पे मैसेज कर देते हैं जी। हाँ। लेना देना कुछ होता नहीं है। हाँ। अगर आपने लेना है तो जिस गाय आपको जो गाय पसंद है उसका स्क्रीनशॉट भेजो तो मेरे को बताने में आसानी है। अगर आपको इनमें से गाय नहीं पसंद आती तब कॉल करो मेरे को। एक एक गाय के बारे में कम्प्लीट डिटेल ले लेते हैं जी। हाँ जी। एक नंबर से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जीतू भाई साहब, ये एक नंबर वाली गाय की डिटेल दे दो जी। ये दो दांत बच्ची है जी, फर्स्ट ही टाइमर है। मुंह से दो दांत, पहला ब्यांत। पहला ही ब्यांत। खूबसूरती लाजवाब है जी। खूबसूरती क्या जी, स्वभाव भी बहुत ठंडा है इसका। हाँ। स्वभाव तो इतना ठंडा है कि चाहे नीचे इसके बच्चा बैठ जाए। हाँ। भी ऐसे नहीं है कि गाय लात उठा जाएगी। हाँ। और फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर है। उस फेस की, इसका फेस देखिए जी कितना खूबसूरत है, बिल्कुल छोटे सींग नाम मात्र के। और गुलाबी आंचल। गुलाबी आंचल है। अभी ले जाएगी लगभग एक हफ्ता। एक हफ्ता ब्याने में ले जाएगी। हाँ जी। हाँ ठीक है जी, एक हफ्ता ब्याने में बचा हुआ है। क्या दूध क्षमता उम्मीद करें जी भाई साहब पहले ब्यांत में? पहले ब्यांत में कर देंगे जी ये लगभग 12 लीटर। 12 लीटर। हाँ जी। 6 लीटर एक टाइम का दूध बना सकती है। हाँ जी। ये अनुमान है जी आपका? बिल्कुल बिल्कुल। पहले ब्यांत में तो अनुमान ही लगाना पड़ेगा जी। अनुमान बढ़ने वाला धन है जी ये तो। हाँ। खरा सोना है। खरा सोना है, जिसे खरा सोना बोलते ना 24 कैरेट, वो है ये। हाँ। क्योंकि ही ये आगे, ये तो यानी कि 4-5 ब्यांत ब्याई है तो इसको दूसरा बोल देंगे या 3 ब्यांत ब्याई है तो दूसरा बोल देंगे। फर्स्ट टाइमर है, फेस से पता लग रहा है और ऑर्डर क्वालिटी से पता लग रहा है। अड्रेस और दूसरी बात, पैरों पे रस्सी बांधी हुई है। रस्सी बंधी हुई है। रस्सी तो जी देखो दूसरे ब्यांत वाले के भी कुछ लोग बांध देते हैं, लेकिन बाकी सारा अनुमान तो आपको ऑर्डर देखने से पता लग जाता है, थनों से पता लग जाता है, थनों से पता चल जाता है कि ये कितने ब्यांत की ब्याई हुई है। कितने ब्यांत की ब्याई हुई है, पहले वाली और दूसरे वाली में तो जरूर से पता चल जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर में पता चल जाता है। हाँ जी। हाँ जी। कीमत भी बता दो जी भाई साहब। 35,000 रुपए। 35,000 रुपए। और 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री है। 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट फ्री। फ्री है। शानदार है जी। हाँ जी। तो भाई साहब ये दो नंबर पर है जी गाय, इसकी और डिटेल दे दो जी। ये भी साहिवाल है जी। साहिवाल। फर्स्ट टाइमर, दो दांत। अच्छा, शुरुआत की ये 3-4 गाय देख रहा हूँ जी, एक से बढ़ के एक सुंदर है। बिल्कुल, 5 नंबर तक फर्स्ट टाइमर ही है जी। फर्स्ट टाइमर ही है। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइमर की तो खूबसूरती वैसे भी शानदार रहती है जी। और बाकी जो तीन गायें हैं वो बता रहे हो जी आप ब्याई हुई है। हाँ जी। हाँ जी। तो परफेक्ट सिलेक्शन वाली गायें हैं जी आज। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो जो भाई पहले वीडियो देखेगा ना, जो लूट गया वो लूट गया। हाँ। और जो रह गया वो रह गया। हाँ हाँ जी।
कौन सा ब्यांत बताया जी? पहला पहला ब्यांत है जी। अच्छा, ब्याने में कितना टाइम ले लेगी ये भी? एक हफ्ता। एक हफ्ता ब्याने में इसमें? हाँ जी। भी क्या दूध क्षमता उम्मीद करेंगे? इसकी माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जी। हाँ, ये लगभग इसकी माँ ने दूसरे ब्यांत में दिया जी 19 लीटर 500 ग्राम दूध। 19 लीटर 500 ग्राम दूध? हाँ जी, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का मिला के? हाँ जी। इससे क्या उम्मीद करें जी? ये दे देंगे 14 लीटर फर्स्ट टाइम में दूध। 14 लीटर फर्स्ट टाइम में ही? हाँ जी। खूबसूरती लाजवाब है जी, जालर बहुत भारी है, इसमें परफेक्ट है। हाँ जी। और परफेक्ट इसलिए भी है कि सींग है। सींग है, सींग वाली गाय देखते हैं ऐसी खूबसूरती प्योरिटी वाली। बिल्कुल बिल्कुल, तो दिल आ जाता है। चार चांद लग जाते हैं जी। चार चांद लग जाते हैं। क्या कीमत रखोगी जी? कीमत इसकी है जी 45,000 रुपए। 45,000 रुपए? हाँ जी। कोई मान सम्मान या मोल भाव की गुंजाइश है जी? कोई मान सम्मान ही करेंगे जी, क्योंकि पिछली वीडियो अपने मान सम्मान किए, तो अब की बार भी मान सम्मान ही करेंगे। मान सम्मान ही करेंगे? हाँ जी। मोल भाव नहीं माने? हाँ, मोल भाव नहीं माने। ये नहीं कि मैंने 45 मांगा तो उनको 35 की दे दूंगा। हाँ, वो तो कॉल ही ना करो मेरे को। हाँ, जिन्होंने इतना देखना ना स्पेस की, इतना स्पेस मिलता वो कॉल ना करें। हाँ, मेरे को तो वही कॉल करे जिसने लेनी हो गाय। और 1,500 का मैं अपनी खुशी से दान कर देता हूँ। ठीक है, और कोई गुंजाइश नहीं इसके अंदर? और कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ जी। और ऐसे भाई सब नगीने हीरे कहाँ पे मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? गाय 100 गाय देखते हैं फिर जाके ऐसे नगीना मिलता है। हाँ। तो अब की बार फर्स्ट टाइमर इसलिए लेके आए हैं कि जितने भाई कॉल करते हैं कि हमें खार की बच्चिया चाहिए, हमें खार की बच्चिया चाहिए, तो उनके लिए डिमांड पे 5 गोमा तक खार की लेके आए। खार की लेके आए? हाँ जी। ठीक है जी। ये 3 नंबर पर है जी गाय, इसकी और डिटेल दे दो जी। ये भी साहिवाल नस्ल है जी। साहिवाल नस्ल? हाँ जी। और वही फर्स्ट टाइमर? ये भी फर्स्ट टाइमर? बिल्कुल। शानदार है जी। इसका मुख देखो जी, बिल्कुल छोटा मुंह। हाँ, दोनों ही बछड़ियाँ खूबसूरत है जी। हाँ जी, दोनों ही शानदार। इससे पहले जो दिखाई थी वो तो शानदार थी। हाँ जी। इसके बाद ये दोनों देख रहे हैं, ये भी खूबसूरत है। ये उससे खूबसूरत है? ये उससे भी खूबसूरत है, एक से बढ़ के एक है जी। किसी को मैं कम नहीं मानता। स्वभाव बहुत ठंडा है जी। हाँ, दर्शकों को किसी को लाल पसंद आती है, किसी को फीकी, और किसी को राठी नस्ल की। हाँ जी। तो जो भी गाय का सिलेक्शन करना चाहे इन तीनों में से कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी गाय भी दिखाएंगे जी। हाँ जी। इस गाय की दूध क्षमता भी क्या अनुमान है वो बता दो जी। दूध क्षमता इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है 22 लीटर का है जी। और इससे भी फर्स्ट टाइम में 15-16 लीटर दूध की उम्मीद है। 15-16 लीटर बिल्कुल खुला देगी जी। अडर खुला तैयार हो रहा है? अडर भी खुला तैयार हो रहा है। बाकी इसके जो बनावट है शरीर की। हाँ। पीछे से आप देखिए सर। हाँ। ठीक है। और ये जो इसका मुंह देखिए। हाँ। फेस से पता लग जाता है जी गाय दूध वाली है कि नहीं है। हाँ, नस्ल का पता चल नस्ल का पता लग जाता है जी। हम देखिए कितना बड़ा है। नस्ल से पता चलता है कि जी गाय कैसी है, कैसी है दूध क्षमता में कैसी रहेगी। हाँ जी। इसकी कीमत क्या रखोगी भाई साहब? इसकी 50,000 रुपये जी। 50,000? हाँ जी। 50,000 रुपीज? बिल्कुल जी। 3 गाय कवर हुई है जी, ये 4 नंबर पर गाय है। हाँ जी। इसकी और डिटेल दे दो जी। ये भी फर्स्ट टाइमर है जी। ये भी फर्स्ट टाइमर है? हाँ, छोटी हाइट की है। हाँ, छोटे किसान के लिए। कद छोटा है? कद छोटा है। हाँ। लेकिन दूध इनके बराबर देगी ये। अच्छा, हाइट पे ना जाए। हाँ, लेकिन दूध देगी ये। हाँ। दूध देने वाली गाय है, पतली चमड़ी की है। पतली चमड़ी की है? हाँ जी। ठीक है जी। ये 20,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट है? ये 20,000 रुपये में 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री वाली है। हाँ जी। 20,000 रुपये के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो गया है? हाँ जी, 20,000 में। हाँ, 500 किलोमीटर का? हाँ, कोई इसमें मान सम्मान नहीं होगा। अच्छा, ये फिक्स है? ये फिक्स ही है। हाँ, कितना टाइम ले लेगी जी ब्याने में? ये 1 महीना ले लेगी जी। 1 महीना ले लेगी? हाँ जी। प्रेगनेंसी कोई टेस्ट करवाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आके चेक करो। चेक करवा सकते हैं? हाँ जी। ठीक, अगर विश्वास है तो हम चेक करवा के देंगे। ठीक है जी। अगर अगले को नहीं विश्वास तो खुद यहाँ पे आओ, चेक करवा के लेके जाओ। ठीक है जी। ये गाय है जी 5वें नंबर पे। हाँ जी। क्या नस्ल है जी? ये साहिवाल नस्ल है जी। ब्लैक नस्ल? ब्लैक साहिवाल। हाँ जी। कंप्लीट डिटेल दे दो जी इसकी भी। ये भी फर्स्ट टाइमर ब्याई हुई है जी। अब ब्याई भी गाय शुरू होगी है? अभी ब्याई हुई शुरू होगी जी। इसके बाद जो दिखाएंगे वो 3 गाय है ब्याई भी? हाँ जी। ठीक है जी। इनमें 2 बछड़ियों वाली है? हाँ जी। तो इसके साथ जो दर्शक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। बछड़ी वाली गाय शुरू होगी है जो ब्याई हुई है। हाँ जी। जिनको दूध तैयार चाहिए वो बिल्कुल वीडियो अंत तक जरूर से देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिन की ब्याई होगी भाई साहब? ये भाई साहब अभी 2 दिन की आई है, कच्चा नाड़ू हो रहा। हाँ, अभी भी। हाँ, कच्चा नाड़ू है। हाँ जी। ठीक है। काफ क्या है साथ में? बछड़ी। बछड़ी फीमेल काफ? फीमेल काफ। स्वभाव बहुत ठंडा है जी, ये देखिए आप। ऐसे नहीं कि पैर बांधने की भी जरूरत नहीं है, दूध निकालो तो पैर बांधने की जरूरत नहीं है। अर्डर क्वालिटी आप दे सकते हो। क्या दूध क्षमता रहेगी जी? ये 16-17 लीटर दे देगी जी दूध। 16-17 लीटर तक दूध क्षमता उम्मीद कर रहे हो? बिल्कुल। 16-17 लीटर
हाँ दोनों टाइम का मिला के जी। हाँ जी दोनों टाइम का, दोनों अभी खीस है इसके नीचे। हाँ 13-14 किलो, 13-14 किलो। हाँ तो इतने खीस की कहें या दूध की कहें, मिल्किंग करके कोई देखना चाहे बिल्कुल करवा तो दिखा दोगे? बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कीमत क्या रखोगे जी? कीमत इसकी 65,000 रुपये। 65,000 रुपये? हाँ जी। 65,000 रुपीज़? हाँ जी। ठीक है जी। ये 6 नंबर पर गाय है जी, इसकी नस्ल बता दो जी भाई साहब। इसकी नस्ल थारपारकर है जी। थारपारकर? हाँ जी। ब्याई हुई है? ब्याई हुई, नीचे बछड़ा है जी। नीचे बछड़ा है? हाँ जी। मेल काफ है? मेल काफ है जी। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल दे दो जी। ये सर जी दूसरी बार ब्याई हुई है। हाँ। और आज 3 दिन की ब्याई होगी? 3 दिन की ब्याई होगी। हाँ जी। तो 3 दिन की ब्याई हुई की मिल्किंग देखना चाहे तो जी? बिल्कुल करवा देंगे जी। 12 लीटर खीस तैयार है। 12 लीटर रेडी? रेडी। 3 दिन की ब्याई हुई, 6 लीटर एक टाइम का दूध निकलवा के दिखा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी। हाँ। 2 टाइम देखे, 4 टाइम देखे, टोकन लगा के दूध दिखा देंगे जी। ये तो है नहीं कि मैसेज करे और हमें दूध दिखा दो, वो काम नहीं है। टोकन लगाना पड़ेगा पहले 5,000 रुपए, उसके बाद दूध दिखाएंगे जी। ऐसे तो अभी फोन बहुत आते हैं, किस किस को दूध दिखाएंगे। हाँ। और ये हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, जिसने गाय ब्याई हुई लेनी हो मेरे से, ठीक है, मेरे को तो 5,000 रुपए पहले डालोगे फिर दूध दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाता, कहीं और से ले लो, अपने को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फालतू का ना टाइम मेरा खराब हो, अगले का खराब हो। हाँ, जो दूध बोलेंगे वो ना हो, आपका टोकन वापिस है, वापिस हो जाएगा। बिल्कुल शानदार है जी, आपकी बात जेन्युइन लगी जी, क्योंकि हो सकता है 20 लोग भी फोन करें कि भाई साहब ये वाली गाय चाहिए। भाई साहब ब्याई हुई गाय को हर 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 कस्टमर मांगता है, सभी मांगते हैं, सभी मांगते हैं। अभी सभी को कैसे दूध दिखा देंगे? हाँ। और हम तो ये बोलते हैं वीडियो कॉल पे देखो। हाँ। अब सब 20 जनों को वीडियो कॉल कैसे जोड़ दें? कैसे जोड़े? दे लेने वाला एक। हाँ। अगर वीडियो भेजनी हो तो चलो वो तो है कि बनाई वीडियो और सभी को भेज दी, फॉरवर्ड कर दी, लेकिन अपने दिखानी है वीडियो कॉल पे। तो जो जेन्युइन लेने वाला होगा, पैसा डालेगा, उसी को दिखाएंगे, उसी को मिल्किंग दिखाओगे, उसी को दिखाएंगे। हाँ। क्या कीमत रखोगी जी? इसकी कीमत है जी 35,000 रुपए। 35,000 रुपए? हाँ जी। 35,000 रुपीज? हाँ जी। ब्याई हुई गाय? ब्याई हुई गाय, नीचे बछड़ा है। ठीक है जी, इस गाय की और डिटेल दे दो जी। ब्याई हुई? हाँ जी, ये भी ब्याई हुई है जी, बछड़ी वाली, नीचे बछड़ी, क्योंकि एक गाय बची हुई थी बछड़ी वाली। हाँ जी। तो वो यही है? वो यही है जी। कंप्लीट डिटेल दे दो जी। ये भी दूसरी बार ब्याई हुई है जी। नस्ल? नस्ल साहिवाल है। नस्ल साहिवाल? हाँ जी। और साथ में काफ फीमेल? साहिवाल फीमेल काफ बछड़ी है। हाँ जी। कितने दिन की ब्याई हुई है साहब? ये होगी 4 दिन की ब्याई हुई जी। अच्छा, और ब्यांत? ब्यांत सेकंड, दूसरा ब्यांत, दूसरा ब्यांत, 4 दिन की ब्याई हुई। हाँ जी। साथ में बछड़ी? बछड़ी। दूध जी? 16 लीटर बना लेगी? बना लेगी, अभी 14 लीटर तैयार है। अच्छा, कोई भी 2 टाइम दूध निकलवा के दे दूंगा जी। हाँ। 14 लीटर? 14 लीटर की मिल्किंग दे सकते हैं। 2 टाइम देखो, 4 टाइम देखो। हाँ। देखने वाले को तो 1 टाइम में पता लग जाता है जी। हाँ। और जिसने स्वाद लेना हो, हाँ, उसको चाहे आप 10 टाइम करवा दो, हाँ, तो उसको तसल्ली नहीं होगी। और जो जेन्युइन बंदा होता है, जिसने गाय रखी है ना, वो तो 1 टाइम में परख लेता है। हम भी लेके आते हैं, हम क्या वहाँ पे 4-4 टाइम थोड़ी दूध निकालते हैं, हम 1 टाइम निकालते हैं, पता लग जाता है, पता चल जाता, क्योंकि सारा दिन इनके अंदर ही रहते हैं। क्या कीमत रखोगे जी? इसकी कीमत 45,000 रुपये जी। 45,000? हाँ जी। स्वभाव की भी शांत है? स्वभाव बहुत शांत है जी। हाँ। बिल्कुल शांत स्वभाव की है, ऐसे नहीं कि लात मारना भागना। हाँ। कुल चाहे लेडीज दूध निकाले चाहे जेंट्स दूध निकाले। हाँ। कोई भी दूध निकालो। हाँ, स्वभाव की ठंडी है। हाँ जी, ठंडे स्वभाव की। ठीक है जी भाई साहब, आज की इस वीडियो की ये लास्ट गाय है जी। हाँ जी। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी। बिल्कुल। और नस्ल जी? साहिवाल। नस्ल साहिवाल। हाँ जी। तो लास्ट गाय है, दर्शक ऐसा नहीं सोचे कि लास्ट में जो गाय दिखाएंगे वो अच्छी नहीं होगी। नहीं, एक तरीके अच्छी से पूरी तो सबसे लास्ट में रखनी चाहिए जी। अच्छा, अच्छी सबसे लास्ट में रखनी चाहिए। पहले नंबर पे लगा दो, फिर कोई पूरी वीडियो नहीं देखता। हाँ, तो पूरी वीडियो देखनी हो तो लास्ट तक देखे, लास्ट तक देखे, तब आप अच्छी गाय ढूंढ पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। और अच्छी लास्ट में भाई साहब लगाते हैं। हाँ जी। ताकि वीडियो को आप भी दर्शक पूरा देखें, पूरा आनंद से देखो, पूरा आनंद से देखो, और स्वभाव देखो हर गाय का, आके देखो यहाँ पे पहुंच के, नहीं तो वीडियो कॉल पे देखो। और ऐसी इतनी बड़ी गाय तो रेयर ही देखने को मिलती है जी। कौन से ब्यांत में जी? सेकंड ब्यांत में है जी। दूसरे ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में। टाइम कितना लेगी जी ब्याने में? ये ले जाएगी जी 10 दिन। अर्डर तो भी स्टार्ट हो गया। हाँ जी, अर्डर तैयार होना शुरू हो गया है। हाँ जी, खुलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, थन देखो जी, एक से थन है। हाँ, ऐसे नहीं कि लात उठा जाएगी। स्वभाव की ठंडी है, बहुत ठंडी है जी। हाँ। दूध क्षमता की कैसी है जी? 18 लीटर दूध देगी जी। 18 लीटर दूध निकाल देगी? बिल्कुल खुला, 9 लीटर काम पे लिख के दे देंगे इसका। अच्छा, 18 लीटर दूध। 18 अपनी पिछली वीडियो में एक लगी थी, 7.5 महीने 7.5 महीने की प्रेग्नेंट जो इसके जैसी थी, दूध दे रही थी वो साथ में 3-3 किलो। हाँ। तो वो उनको 7.5 की बोला था, तो यहाँ पे चेक करवा के ले गए 7.5 की ही, और 2 टाइम दूध निकलवा के दिया।
अच्छा ठीक है, 3-3 किलो। हाँ तो वो अपने उसका 40,000 रुपये कीमत की, उन्होंने 40 के 40 दिए। हाँ तो अपने 1,000 रुपये उनको छोड़ दिया। अच्छा हाँ खुद से ही, वो उसी घर से ये आई है। अच्छा हाँ जी, सेम घर से आई, सेम घर से ही, तभी उसकी फूलिया बिल्कुल वैसा ही है। हाँ और स्वभाव भी वैसा ठंडा, स्वभाव भी ठंडा ही है। हाँ जी, क्या कीमत रखोगे जी इसकी? 50,000 रुपये जी। 50,000? हाँ जी। 50,000 रुपीज़? 50,000। ठीक है जी भाई साहब, आज के वीडियो में शानदार गाय देखने में आई है जी। हाँ जी, फर्स्ट टाइमर भी आई है। हाँ जी फर्स्ट टाइमर ज्यादा, और ब्याईवी भी आई है। हाँ जी फर्स्ट टाइमर जो है वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है जी, और ब्याईवी 3 गाय दिखाई है जिनमें 2 बछड़ी वाली है। प्रेग्नेंट तो इसलिए है जी, सफर में सही रहती है, सफर में बढ़िया रहती है, और अगले घर पे जाके सेट हो जाती है गाय, क्योंकि अभी महाराष्ट्र की तेजी है, तो महाराष्ट्र के लोग क्या है वो प्रेग्नेंट ज्यादा ले रहे हैं जी, जैसे जिसको 10 दिन बाकी हो, 1 हफ्ता बाकी हो, वैसी गाय ले रहे हैं, तो उनकी डिमांड पे लेके आए हैं जी। फर्स्ट टाइमर, फर्स्ट टाइमर। हाँ जी बहुत शानदार जी, उम्मीद करता हूँ दर्शकों को सारी गायें पसंद आई होगी। एक एक गाय हमने चलाकर दिखाई है, कंप्लीट डिटेल ली है, फिर भी कोई डिटेल मिस हो तो भाई साहब से संपर्क करें, जो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर चाहे से व्हाट्सअप करें चाहे से फ़ोन करें। हाँ कंप्लीट डिटेल ले लें, डिटेल ले लें, पूरी स्क्रीनशॉट देकर गाय की डिटेल ले लें। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अच्छी गाय दिखाई है। हाँ जी उम्मीद करता हूँ दर्शकों को पसंद आई होगी। हाँ जी राम राम जी भाई साहब, जय गौ माता, जय गौ माता।